नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं पीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह सवेरे बच्चों के मैसेजेस मिले और एक नई समस्या सुनने को मिला। दोस्तों, जनरली क्या होता है, जब कोई अपडेट आना होता है तो वो मुझे अपडेट से पहले पता चल जाता है या फिर अपडेट होने के घंटे आधे घंटों में पता चल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे खुद रिकमेंड किया जाता है कि प्लीज आप ऐसा वीडियो बना दो जिससे कि बच्चे अवेयर हो जाए। चूंकि मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूँ तो ऐसी बहुत सारी बातें रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं जो लोग खुद चाहते हैं, जो आपकी काउंसलिंग के लोग हैं कि हाँ देख लो, अगर वो बता देगा तो बच्चे कम से कम सही चीज कर लेंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो पाठशाला पे मेंशन है, बीएचयू पाठशाला देखते हैं। तो लेकिन ये जो प्रॉब्लम था इसके बारे में मैं बताऊं तो बच्चों से ही पता चला, तो मुझे भी लगा कि यार ये क्यों फिलअप कराया जा रहा है। तो फाइनली अब फाइनल डिस्कशन हो चुका है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ एकदम सत्य बता रहा हूँ, 100% सही बता रहा हूँ। बस आपको इतना ध्यान देना है कि इस वीडियो को देखने के बाद इसको फिलअप करना है। आप लोग एक काम और करना, इस वीडियो को देखने के बाद 15-20 मिनट बाद वापस आना और इस वीडियो को फिर से देखना, इसके कमेंट पढ़ना। उसमें बहुत सारे बच्चे ही मेंशन किए होंगे कि सर मैंने तो गलती कर दी, अब बताओ मैं क्या करूं। तो दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब कोई चीज होती है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और ये गलती होगी। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं उनके लिए जिन्होंने गलती नहीं करी है, फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा उनके लिए जिन्होंने गलती कर दी है। अफसोस की बात यह है कि इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आगे फर्दर इसका सलूशन है कि नहीं है। लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने अभी नहीं फिलअप किया है। वैसे तो ध्यान देना कि ये तो पूरे बीएचयू के 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन जो है इन सबको वीडियो देखना चाहिए, लेकिन ये 20 से 25 हजार लोगों को तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो देखना है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए अपडेट है। स्टार्ट किया जाए, सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। बीएचयू पाठशाला देख रहे हो तो आपको यहाँ पे हर एक अपडेट मिलेगा, एवरी अपडेट यू विल गेट फ्रॉम बीएचयू पाठशाला, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे बस प्रिफरेंस, कोर्स अलोकेशन एंड हॉस्टल अलोकेशन का ही एक डैशबोर्ड हुआ करता था। बाद में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिशन कमेटी का एक डैशबोर्ड आइकन बना, तो वो उन बच्चों को फायदेमंद है जिनका एडमिशन हो चुका है या एडमिशन उनका होने वाला है। तो उनके यहाँ पे कोर्स नेम, यहाँ प्रोफेसर नेम और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिख जाता है, जिससे वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सके और वो अपना सोल्यूशन उनसे ले सके। कई बार बच्चों के कॉम्प्लेन भी आते हैं कि सर वो लोग तो कभी कॉल रिसीव नहीं करते, तो कोई ये मुझे पहले से पता है ऐसा होता है, इसीलिए आप जनरली बीएचयू पाठशाला पे आते हो। वो अगर अपना काम कर दें तो फिर हमें इतना मेहनत करना ही नहीं पड़े। फिर प्रिफरेंस आप लोग को पता ही है, और हॉस्टल लोकेशन को मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये हमारा अभी का मुद्दा नहीं है, ये बाद का मुद्दा है। हाँ, कुछ बच्चे कॉमेंट कर रहे थे कि हॉस्टल हमारा जो है वो हमें कब मिलेगा, तो मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमें बाहर रहना है तो कितना रुपए लगेगा, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए नया टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लो, जिससे कि उसमें आपको हॉस्टल के डिटेल्स बाद में दिए जाए, अभी नहीं, और आप उनको कॉन्टेक्ट करके अपना जो भी जहाँ रहना है अपना रह सके। दूसरा है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया है, नीर दर्शन, ठीक है। इस चैनल को सर्च करना, नीरदर्शन आराम से इजीली मिल जाएगा, या नीरदर्शन बीएचयू डालना और इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बीएचयू के अंदर होने वाले जितने सेमिनार हैं, जितने वेबिनार हैं, उन सभी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, उसको कैसे अटेंड करना है, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग, अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, अलग अलग डिपार्टमेंट फैकल्टी में कुछ ना कुछ होता रहता है, अगर उन सभी चीज़ों को आप तक पहुँचाया जाए तो आप लोग बहुत फायदे में रहोगे। साथ ही साथ मैं अपने रिव्यूज दूंगा, और जैसे अभी देखो मैंने पपीते की खेती करी है तो उसके बारे में वीडियो दिया है कि वो कैसा चल रहा है। तो ये स्टार्टिंग था, वीडियो अभी थे नहीं मेरे पास, लेकिन इस पे और अच्छी प्लानिंग है। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप सर्च करके सब्सक्राइब कर लो। आपके पास ये चैनल का लिंक जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे करियर डेवलपमेंट की बात होगी, बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज दिए जाएंगे कि कैसे आप अर्न वाइल लर्न, पढ़ाई के साथ पैसे कैसे कमा सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनिशिएटिव, इसलिए मैं उठाया क्योंकि मेरे पास आए दिन बच्चों के कमेंट और कॉल आते हैं कि सर प्लीज पार्ट टाइम जॉब बता दो मुझे। तो ऐसे में इस चैनल को मैंने बताया है कि किस किस सेक्टर में पार्ट टाइम जॉब हो सकता है। सो अब बीएचयू में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है।
रजिस्ट्रेशन पिन सिटी को जैसे ही क्लिक करता हूं, यहां पे आपका स्टेट मेंशन करना है और यहां पे आपकी सिटी, यहां पे पिन कोड और सबमिट कर देना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भरना कहां से है, क्यों भरना है और कब तक भरना है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप आधे घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर इसको फिलअप कर लेना, क्योंकि इसका डिटेलिंग के लिए आपको कहीं चक्कर नहीं लगाना है, आपको पता है। ठीक है, इसमें आप वही डिटेल भरोगे जो आपने उस एनटीए के फॉर्म में, यूजीसी एनटीए, यूजी एनटीए, saman.oc.in में भरा था, जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद करी, उसी एनटीए के फॉर्म में जो आपने परमानेंट एड्रेस दिया था विल बी फिलअप हियर, वही यहां फिलअप होगा। उसमें जो आपने अपना पिन कोड डाला था, जो सिटी डाला था, जो स्टेट डाला था, वही होगा। ध्यान देना, आपको चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बच्चा अपने आप आराम से, पहले वो इलाहाबाद रहता था, अब वो आ गया, अब रहता है वो बनारस में, तो बनारस नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो एड्रेस उसमें डाला वही एड्रेस यहां मेंशन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मैटर ये है कि यूजीसी नहीं, एनटीए ने वो डेटा दिया नहीं जो यूनिवर्सिटी को, कौन सा, जिसमें ये मेंशन हो कि हाँ ये बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है। मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि भाई वो लोग जो एक्सेल सीट या जो भी अपना डेटा है, सपोज कि इसमें वो डेटा दे रहे हैं, तो वो जो डेटा भेज रहे हैं उस डेटा में बहुत रॉ चीजें थी, यानी बस आपका नेम, अपना नॉर्मलाइज मार्क्स या फिर आपका रॉ मार्क्स और आपके फादर नेम वगैरह वगैरह। फिर यहाँ के एडमिशन कमेटी को बहुत मेहनत करना पड़ा, चीज़ों को बहुत कलेक्ट करना पड़ा, और उसके बाद आपको देखोगे काउंसलिंग में कितना समय लगा, बहुत लेट स्टार्ट करना पड़ा। वही पीजी में इनको मेहनत करना पड़ा, आप तो यूजी वाले हो ना, पीजी वाले आपके जो भैया हैं वो बहुत परेशान हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है, अभी बहुत टाइम लग रहा है। तो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एनटीए रॉ मटेरियल देती है, रॉ फॉर्म में देती है, उसे अरेंज करना पड़ता है कैटेगरी वाइज, किसका कम है, किसका ज़्यादा है, मल्टी कोर्स वाले कौन है, क्या डोमेन है, बहुत टिटिम्मा है यार। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि नया डैशबोर्ड ऑन करके हम लोग अपना डिटेल खुद बच्चों से ले लेते हैं, तो इसीलिए। लेकिन ये डिटेल एनटीए से मैच होना चाहिए, क्योंकि जो एनटीए है ना वो इन्हीं के पैरेलल और चेकआउट कमेटी की तरह काम कर रही है, नहीं तो ऐसा थोड़ी ही नहीं है कि आप एनटीए में मार्क्स कुछ लाए और बीएचयू कुछ मार्क्स चढ़ा के आपको एडमिशन दे दे, वो हमेशा चेक करेगी। इवन लास्ट में डेटा पूरा इन लोग को एक दूसरे को शेयर करना पड़ेगा कि हाँ हमने ऐसे किया है, फिर वो आपका डेटा चेक होगा, तो ये गलत रहेगा, तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोला ना कि 15 मिनट बाद फिर से वीडियो देखना, कमेंट देखना, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे क्योंकि पता नहीं कहाँ से वीडियो देखे, सही से इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं। तो प्लीज़ आप लोग सही से इन्फॉर्मेशन के लिए ये काम जरूर करो कि यहाँ पे जो डिटेल मैंने आपको बताया वो डिटेल ही फिलअप होना चाहिए, और हर बच्चा भरेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों का एडमिशन बीएचयू में हुआ है और जिनका एडमिशन होने वाला है वो इसको भर देंगे, पैसा लगना नहीं है एक रुपया भी, तो हर कोई जाके इसको फिलअप करे और सबमिट कर दे। ठीक है, तो कोशिश करना कि इस वीडियो को अपने हर एक ग्रुप में डाल देना कि हर कोई अपना फिलअप कर ले, किसी से कोई मिस्टेक ना हो पाए, क्योंकि इतनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हर कोई देता नहीं है चैनल पे। और फिर सॉरी, तो फाइनली बीएचयू पाठशाला देखते रहे, मुस्कुराते रहे, नए वाला चैनल को भी बहुत सारा प्यार दे जैसे बीएचयू पाठशाला को देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो बिहार से इस वीडियो को देखते हैं और बिहार में बहुत ही बड़ा महापर्व सेलिब्रेट होने जा रहा है, छठ। तो आपको और मेरे जितने व्यूवर्स हैं आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मेरे कुछ दोस्त हैं, जब मैं बच्चों की बनारस का हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले जो बिहार से हैं, वो लोग बिहार के वो लोग आते हैं जब, तो वो कुछ एक I don't remember name, एक होता है जो छठ पूजा में चढ़ता है, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी मुझे खिलाएं, सुलता हूँ प्रसाद मांग के खाने से पुण्य बढ़ते हैं। जिन जो भी बच्चे बनारस आ रहे हैं वो मुझे वो जरूर खिलाएं, ठीक है। वो जो देसी घी में छनता है शायद, वो बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ सेलिब्रेट नहीं होता है हम लोग, लेकिन मैं देखना बहुत पसंद करता हूँ। इवन हर साल मैं आपको घुमाऊंगा भी यहाँ कैसे होता है, आप लोग देखना बहुत मजा आएगा। हर साल मैं जाता हूँ घूमने के लिए छठ पूजा, तो देखने जाएंगे, बट अफसोस कि हम लोग के यहाँ होता नहीं है, इस पहले से नहीं होता है, अब कैसे स्टार्ट करना है इस बारे में बात किया जाएगा कभी, तो अभी फिलहाल तो आप लोग के यहाँ होता है, तो आप लोग प्लीज़ प्रसाद जरूर खिलाइएगा, ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बीएचयू पाठशाला का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और ये नया वाला चैनल जो है देख लो अच्छे से, ADP लगा है अभी, कल तक ये
19 से 20 सब्सक्राइबर थे, बहुत तेज बढ़ रहे हैं, और हमने इसे मिलियन में ले जाना है और इस पर अच्छी अच्छी बातें करनी है, आपको फायदा पहुंचाना है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस एंड लाइक दिस वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। हर हर महादेव।